अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब खैरियत से हैं दोस्तों। मैं मियां तनू से 320 की सुबह टेक सिंह के अंदर जो है वो पहुंच चुका हूं। अभी जो है वो रिक्शा से उतरा हूं, तो ये देखें बोर्ड जो है वो बोर्ड भी लगा हुआ है। तो जैसा कि आप दोस्त जानते थे कि आज जो है वो स्केल जाट की 40वीं का ख़त्म भी था, और मैं जो है वो वहाँ से इसके ख़त्म के लिए स्पेशली आया हूँ। तो मैं आज दिखाऊँगा आप दोस्तों को कि क्या जो लोग उसके जनाजे पर शरीक हो सके, क्या वो लोग यहाँ पर आए या नहीं आए। तो इसके जो है वो ख़त्म पे जो है वो कौन कौन से दोस्त आते हैं, तो ये देखें इसकी जो है वो बोर्ड के ऊपर जो है वो तस्वीर भी लगी हुई है। तो मैं चलता हूँ और आप दोस्तों के साथ लम्हा बा लम्हा जो है वो आप दोस्तों के साथ जितनी भी जो है वो खबर जो भी न्यूज़ होगी अपडेट वो आप दोस्तों के साथ जो है वो शेयर करता रहता हूँ। तो ये देखें ये उसका गाँव है, यहाँ से जो है वो मुझे रिक्शा के ऊपर जो है वो आगे जाना पड़ेगा। तो दोस्त जो हैं वो साथ रहिएगा, दिखाते हैं कि आज जो है वो कौन कौन से जो दोस्त हैं वो इसके साथ शरीक होते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, आज जो है वो आपको दिखाते हैं। मेरे कल उस जगह की गल ही ना सुन जिथे मेरे आका ने किसी हिसाबी हल्का लफ्ज़ बोले नेरे चो कट के हजूर मैं मुशर का पा इस्लाम करो ते उस हिसाबी रसूल आ मा मंदा करम मुकव मा कलाम पर आखिरत खैर अमल वहीम अल्लाहु अहद अल्लाहु सद मैं खाद शकील की दुआएं वापस वापस आए अल्लाह सोने सोने महमूद के वसीले नाल मरहूम दे मैं बच्चे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब खैरियत से जी। दोस्तों मैंने आपको दिखाया कि शकील जट जो है वो उसकी अभी जो है वो 40वीं का ख़त्म हुआ है। तो ये मस्जिद थी, आप मेरे पीछे जो है वो देख सकते हैं, ये थी जी वो मस्जिद जहाँ पे जो है वो उसका आज ख़त्म दिलवाया गया है। तो कौन कौन से लोग इसके अंदर शरीक हुए, मैंने कोशिश की कि आप दोस्तों के साथ जो है वो शेयर करूँ, और कितनी तादाद के अंदर जो थे वो लोग यहाँ पर शामिल थे ये भी आपने देखा। मेरी बात जो है वो उस्ताद अरशद से हुई है, उनसे भी हम कोशिश करेंगे थोड़ी सी बात हो ताकि हमें पता चल सके कि जिस तरह से जो है वो उसके जनाजे के अंदर लोग शामिल नहीं हो सके तो कैसे जो है वो लोग यहाँ पर शामिल हुए। तो उसने मुझे कहा है कि मैं आपको जो है वो थोड़ा सा टाइम देता हूँ। तो चलते हैं उसके अंदर, और ये देखिए एक बार फिर से ये मेरे पीछे मस्जिद है, ये वाली मस्जिद जहाँ पर जो है वो उसकी अभी जो है वो पढ़ाई गई है। तो चलते हैं उसके घर में। मैंने आप दोस्तों के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम भी निकाला, और मैंने कोशिश की कि आज का जो ख़त्म है इसको मुकम्मल तौर पे जो है वो पिक किया जाए और आप दोस्तों तक जो है वो पहुँचाया जाए। और मैं जो है वो असल में थोड़ा सा लेट हो गया था, यानी कि मुझे जो है वो बस की वजह से थोड़ा सा लेट आना पड़ा। तकरीबन 11:15 जो था वो मैं यहाँ पर पहुँच चुका था, और जितनी मुझे उससे जो है वो कवरेज हो सकी मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर की। तो अब ये भाई जो है ये इसी गांव के रहने वाले हैं, अल्लाह ताला इनको जो है वो सेहत व तंदुरुस्ती और इनको जो है वो जजाए खैर दे। ये जो है वो मुझे वापस स्टाफ पे जो है वो छोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों हमेशा से जो है वो मेरी कोशिश होती है कि आप दोस्तों के लिए जो है वो नई से नई वीडियो जो है वो लेकर आऊँ, ताकि आप दोस्तों के साथ जो है वो मेरे साथ जुड़ा रहे। तो
अब जो है वो मेरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह इसी गांव के जितने भी कबड्डी प्लेयर हैं इनके जो इंटरव्यूज़ हैं वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करता रहूँ। तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आप दोस्तों के साथ दोबारा आते हूँ। तब तक हमें दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।